न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। कलियुगी बाप ने लांघी मर्यादा की सारी हदें, बेटी से दुष्कर्म के बाद सिर्फ घर से किया अलग। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, आरोपी पिता की निशानदेही पर शव किया गया बरामद, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। असलाहों के फर्जी लाइसेंस पर जिला प्रशासन है गंभीर, रवि आर्म्स कारपोरेशन को किया सील, खंगाली जाएगी सभी आर्म्स डीलरों के 3 साल के दस्तावेज। एडीएम सिटी ने कहा, फर्जी लाइसेंस पाए जाने पर होगी कार्रवाई। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खोराबार थाने पर संपन्न हुआ थाना समाधान दिवस, कुल 4 मामलों का मौके पर हुआ निस्तारण। डीजीपी के निर्देश और एसएसपी की निगरानी में सीओ क्राइम व सीओ पुलिस कार्यालय ने किया बंदी बैरक का निरीक्षण, कैदियों की चेकिंग के साथ ली उनकी हाजिरी, एसएसपी को दी रिपोर्ट, सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालय अध्यक्षों को दिए निर्देश, कहा 12 बजे तक करें जनता के समस्याओं की सुनवाई। IGRS पोर्टल एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की प्रतिदिन होगी समीक्षा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे पूरी तरह से है संवेदनशील, CPRO ने कहा, वृक्ष लगाने से महत्वपूर्ण है वृक्ष को बचाना, करें वृक्षारोपण जिससे स्वच्छ रहे पर्यावरण। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुई मतदाता सूची पुनरीक्षण संबंधित बैठक, कहा 2, 3, 9 और 10 नवंबर को बूथों पर लगेगा विशेष मतदाता कैंप। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर कांग्रेस द्वारा 25 अगस्त को आयोजित होगा समान ज्ञान प्रतियोगिता, विजेता को मिलेगा लैपटॉप। थाना समाधान दिवस पर कैंट और कोतवाली थाने में भी सुनी गई फरियादियों की फरियाद, किया गया समस्याओं के निस्तारण का प्रयास। बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर गली मोहल्ले में बनी जल जमाव की स्थिति, नगर आयुक्त ने कहा पानी निकासी के लिए कई जगह लगाया गया है पंप सेट। विश्व फोटोग्राफी दिवस पर क्लिकर्स ने 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी व वर्कशॉप का किया आयोजन, कार्यक्रम संयोजक ने कहा क्लिकर्स करेंगी विजेताओं को सम्मानित। और बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन, आदित्य परामर्श प्रक्रिया के तहत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रीढ़ को बढ़ावा देना है मुख्य उद्देश्य।